सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे को बीजेपी ने अपना चुनावी मंत्र बनाया, जिसकी कार्ड के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार नए पोस्टर और नए नारे लॉन्च किए जा रहे हैं। लग रहा है जैसे यूपी के उपचुनाव पोस्टर्स के दम पर लड़े जा रहे हैं। यूपी की राजनीति में छिड़ी पोस्टर वॉर का एक लेटेस्ट ट्रेलर मैं दिखाता हूं आपको। कटेंगे तो कटेंगे, योगी ने नारा दिया, बीजेपी ने उस नारे का पोस्टर बना दिया। अब योगी के नारे का तोड़ निकालने के लिए समाजवादी पार्टी नए नए नारे खोज कर ला रही है और उनके पोस्टर लगवा रही है। पहले पोस्टर आया न बटेंगे न कटेंगे, फिर अगला पोस्टर आया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर तीसरा पोस्टर आया पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, और अब एक और पोस्टर आ गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगे तो वाराणसी में बीजेपी ने भी नए पोस्टर लगवा दिए, जिसमें लिखा गया हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, फैसला आपका। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग से पहले पोस्टर वॉर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान के बाद लगातार सपा के नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसके जवाब में अब बीजेपी के नेता की तरफ से भी वाराणसी की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर का जवाब पोस्टर से देने वाली समाजवादी पार्टी को बीजेपी के नए पोस्टर की भाषा पर ऐतराज हो गया। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया। ये नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई और पोस्टर वॉर पर एकजुटता का संदेश देते हुए अखिलेश के कार्यकाल की कमियों को भी गिनाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, सनातन धर्म पर, सनातन व्यवस्था पर सदियों से हमले होते रहे हैं, कोई आज की नई बात नहीं है। जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी और एसपी के बीच छिड़ी इस पोस्टर वॉर को अब और ज्यादा वक्त मिल गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव एक हफ्ते टाल दिए। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में चुनाव तारीखों में बदलाव पर भी दोनों पार्टियों के पोस्टर छप जाएं। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। जी न्यूज़।